जेपीजी आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 16 जनवरी 2020 और प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग 16 जनवरी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन पर वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे, जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीके जीएस पूछा जा रहा है, करंट अफेयर पूछा जा रहा है, उसके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। परशुराम कुंड मेला मकर संक्रांति के दिन किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? जी हाँ, मकर संक्रांति जो कि 15 जनवरी के दिन न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भारतवंशीय लोग हैं वहाँ पर मनाया गया, और मकर संक्रांति के दिन परशुराम कुंड मेले का आयोजन लोहित नदी के तट पर होता है। किस नदी के तट पर? लोहित नदी के तट पर। लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यानी ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो आपके दिलो दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि ये परशुराम कुंड मेले का आयोजन किस प्रदेश में होता है, भारत के किस राज्य में इसका आयोजन होता है। तो परशुराम कुंड मेला भारत में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। जैसा कि आप जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश भारत का वह राज्य है जिसे आज़ादी से पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा बोले तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। और 20 फरवरी 1987 के दिन अरुणाचल प्रदेश एक राज्य के रूप में अपनी एग्जिस्टेंस में आया, अपने अस्तित्व में आया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम पेमा खांडू और राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर और कुछ आपको बताएं तो अपना पड़ोसी देश चीन, भारत के दो ही प्रमुख पड़ोसी देश हैं, एक इधर बिचासपुरी पाकिस्तान और इधर चंडालपुरी चाइना। चीन के द्वारा हमेशा अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत बताया जाता है। क्या बताया जाता है? दक्षिण तिब्बत। और हमेशा अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा पेश करता है। आपको बता दें कि चीन और भारत के बीच जो विवादास्पद इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र ही विवादास्पद है। अगर मैं बात करूं थोड़ी सी ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी जिसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील है और मानसरोवर से चलकर लगभग 29 किलोमीटर का सफर तय करके चीन, भारत, बांग्लादेश होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। अब सवाल यह उठता है कि ब्रह्मपुत्रा को अपने उद्गम स्थल पे किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को अपने उद्गम स्थल पर सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिहांग। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, किस पास से होकर के पास करती है, एंट्री करती है भारत में, अरुणाचल प्रदेश में, तो उस सवाल का जवाब होगा यांगयाप पास। यांगयाप दर्रा से होकर ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ही गुवाहाटी शहर स्थित है और यही ब्रह्मपुत्र असम में आगे जब बढ़ती है, असम से आगे बढ़ती है और जब भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि बांग्लादेश में किस नदी को जमुना, यमुना नहीं, जमुना के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा को। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल तेलुगु, तेलुगु अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा कहां स्थापित किया गया? जी हां, जो दर्जा उत्तर भारत में संस्कृत भाषा को प्राप्त है वही दक्षिण भारत में तेलुगु भाषा को प्राप्त है। आपको बता दूं कि तेलुगु भाषा के आधार पर ही भारत का जो पहला राज्य स्थापित हुआ, जो पहला राज्य 1 नवंबर 1956 को अपने एग्जिस्टेंस में आया था, उस राज्य का नाम आंध्र प्रदेश है। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। और भारत का जो अंतिम राज्य है तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना, वो भी आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा है। आंध्र प्रदेश जिसकी वर्तमान राजधानी है कहाँ? अमरावती, जहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जगमोहन रेड्डी और जहाँ के राज्यपाल जिनका नाम विशेश्वर हरिचंदन है। और आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश में ही भारत के 13वें उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा नेल्लोर में तेलुगु अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई है, स्थापना की गई है। आपको बता दें, विदित हो कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू नेल्लोर से ही संबंध रखते हैं, नेल्लोर उनका जन्म स्थान है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश से इसरो संचार उपग्रह GSAT-30 को 17 जनवरी 2020 को एरियन 5 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? जी हां, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना 1959 में हुई। इसरो का हेडक्वार्टर बंगलुरु और वर्तमान में इसरो के जो चेयरमैन हैं उनका नाम के शिवान। अब हाल ही में अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को, अपनी संचार प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए इसरो के द्वारा GSAT-30 नामक सैटेलाइट को, उपग्रह को प्रक्षेपित करने का निर्णय लिया गया, लॉन्च करने का निर्णय लिया गया। लेकिन कहाँ से? भारत से नहीं, फ्रेंच गुयाना से। कहाँ से? फ्रेंच गुयाना से। किसके माध्यम से? एरियन 5 के माध्यम से। वैसे भारत में जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, उसे सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में ही पुलिकट झील में स्थित एक द्वीप है और उसी पर श्री सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। लेकिन इस GSAT-30 का लॉन्चिंग प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना से किया जाएगा। कहाँ से? फ्रेंच गुयाना, जो कि दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा देश अटलांटिक महासागर के तट पर है और वैसे तो ये फ्रांस का एक उपनिवेश है और यह देश भूमध्य रेखा इक्वेटर के बिल्कुल करीब है, इसलिए यहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च करने में, पृथ्वी की ऑर्बिट में उसे एग्जिस्ट करने में काफी आसानी होती है, इसीलिए इस देश का चयन किया गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के लिए इंटरनेशनल ग्लोबल चाइल्ड प्रोडजी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? जी हां, ब्रिटेन के द्वारा इंटरनेशनल ग्लोबल चाइल्ड प्रोडजी अवार्ड प्रदान किया जाता है और यह अभी अभी योग के लिए भारत मूल के ही एक बालक, जो कि ब्रिटेन में ही हालांकि रह रहे हैं, जिनका नाम ईश्वर शर्मा है, और ईश्वर शर्मा को योगा के लिए इंटरनेशनल ग्लोबल चाइल्ड प्रोडजी अवार्ड दिया गया। आप 50 विभिन्न मुद्राओं में योगासन के साथ साथ वैदिक श्लोक का उच्चारण करते हुए योग करते हैं और आपकी इस प्रतिभा का सम्मान करते हुए ये प्रेस्टिजियस अवार्ड इंटरनेशनल ग्लोबल चाइल्ड प्रोडजी अवार्ड दिया गया। यहाँ ऑप्शन में जितने भी नाम दिए गए हैं उनको इस प्रकार से अरेंज किया गया है ताकि प्रीवियस में जो इंसिडेंट्स हुआ है, जो घटनाएं हुई हैं,
जो आपके एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको आप रिवाइज कर सकें। जैसा ऑप्शन बी में दिया गया है सुचेता सतीश, ये भी भारतीय मूल की दुबई में रहने वाली बालिका है जिन्होंने 120 अलग अलग भाषाओं में गाना गाने की अद्भुत प्रतिभा है इनके अंदर और आपको सिंगिंग के लिए ग्लोबल इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोडजी अवार्ड दिया गया। अगर सिंगिंग के लिए पूछा जाए तो सुचेता सतीश ये बालिका है, जबकि योगा के लिए भारतीय मूल के ही ईश्वर शर्मा को मिला। आयुषी ढोलकिया, आप बड़ोदरा गुजरात से संबंध रखती हैं और आपको 10 इंटरनेशनल ग्लोबल आइकॉन का अवार्ड मिला था। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला परेड एडजुटेंट कौन होंगी? जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन भारत में रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसके उपलक्ष में राजपथ पर दिल्ली में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें एयरफोर्स ने भी एनसीसी और पैरा मिलिट्री के जवान अपना जौहर दिखाते हैं, अद्भुत कर्तव्य दिखाते हैं। यहाँ पर परेड एडजुटेंट वह ऑफिसर होता है जो कि रिपब्लिक डे के परेड को कंट्रोल करता है, गवर्न करता है, और हमेशा से इस पद पे कोई न कोई जो है पुरुष ऑफिसर रहा है। लेकिन इस बार ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि पहली बार परेड एडजुटेंट की भूमिका कोई महिला निभाएंगी और उनका नाम है तानिया शेरगिल। तानिया शेरगिल जिनका संबंध पंजाब से है और आप इंडियन आर्मी में कैप्टन हैं। पिछले वर्ष 26 जनवरी के दिन भावना कस्तूरी भी भारत की पहली ऐसी जो है वीमेन ऑफिसर भी थी, महिला अधिकारी जो कि किसी पुरुष टीम का नेतृत्व किया था, जबकि शिवांगी इंडियन नेवी की पहली भारतीय महिला पायलट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए शिवांगी पाठक और शिवांगी, इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, शिवांगी जो कि इंडियन नेवी की पहली भारतीय महिला पायलट है, जबकि शिवांगी पाठक आपका संबंध पर्वतारोहण से है। किसे है? पर्वतारोहण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया? जी हाँ, आपके देश के 13वें वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कर कमलों से वर्ष 2020 में क्षेत्र विशेष में देश के विकास के लिए विशेष योगदान देने वाले दो महापुरुषों को, एक हरित क्रांति के जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन और दूसरे महान समाज सेवी सोशल रिफॉर्मर गुट्टा मुनिरत्नम को मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस देश में भारतीय दूतावास के द्वारा निःशुल्क हिंदी कक्षाएं शुरू की जाएंगी? जी हाँ, हिंदी जो कि भारत की राजभाषा है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 343 में किया गया है, और भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अभी अभी भारतीय दूतावास जो कि अमेरिका में स्थित है, अमेरिकी भारतीय दूतावास के द्वारा हिंदी और संस्कृत की निःशुल्क कक्षाएं शुरू की जाएंगी उन लोगों के लिए जो कि भारतीय संस्कृति से, भारतीय जनमानस से, भारतीयता से जिनका लगाव है और जो हिंदी भाषा को पढ़ना या जानना चाहते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका जो कि 4 जुलाई के दिन प्रतिवर्ष अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, अमेरिका विश्व का पहला देश जहां पर कि लिखित संविधान लागू हुआ और फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट अमेरिका के द्वारा ही अपने संविधान में जगह दी गई थी, शुरू की गई थी। अमेरिका जिसकी राजधानी वाशिंगटन DC है, विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली देश है और जिसकी करेंसी डॉलर है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस देश को अमेरिका के द्वारा
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस देश को अमेरिका के द्वारा मनी मैनिपुलेटर की सूची से हटाया गया? मनी मैनिपुलेटर का मतलब होता है अपनी मुद्रा से जानबूझ करके छेड़छाड़ करने वाला। आपको बता दें कि भारत का पड़ोसी देश चीन के द्वारा विगत वर्षों में जानबूझ करके अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया गया, जिसको कि मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। अपनी करेंसी को जानबूझ करके डिवैल्यूएट किया गया ताकि एक्सपोर्ट्स के माध्यम से उसे अधिक से अधिक जो है लाभ प्राप्त हो सके। आपको सरल शब्दों में बता दूं तो किसी देश के द्वारा, वो भी चीन जैसे देश के द्वारा, अपनी मनी को डिवैल्यूएट करने का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सफारी पर निकला है भीख मांगने के लिए। इसलिए अमेरिका और विभिन्न देशों के द्वारा चीन की इस हरकत का विरोध किया गया और पिछले साल अमेरिका ने इसे मनी मैनिपुलेटर की सूची में रखा था। लेकिन विगत कुछ समय से अमेरिका और चीन के बीच अब हालात अच्छे हुए हैं, तो अमेरिका ने चीन को मनी मैनिपुलेटर की कैटेगरी से बाहर कर दिया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वर्ष 2020-21 को मुजीब वर्ष के रूप में किस देश में मनाया जाएगा? जी हाँ, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका, जिसकी करेंसी टका और जिसकी संसद का नाम जातीय संसद है। बांग्लादेश जो कि मैं बता दूं, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में जब बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया तो बंगाल को दो हिस्सा में बांटा गया। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र को पूर्वी बंगाल और हिंदू बाहुल क्षेत्र को पश्चिम बंगाल। आजादी के बाद जब 1947 में देश का विभाजन हुआ तो वही पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान कहलाया और 1947 से 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। लेकिन सिया सुन्नी के विवाद ने इतना तुल पकड़ा कि भारत के सहयोग से 1971 में पूर्वी पाकिस्तान एक अलग देश बांग्लादेश के रूप में अपने अस्तित्व में आया। उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान, और आपके जन्म शताब्दी को 2020-21 को ही बांग्लादेश में मुजीब वर्ष के रूप में, मुजीब ईयर के रूप में मनाया जाएगा। जैसा कि भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत बंगाल में बंग बंधु फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी भारत के सहयोग से, और मुजीबुर रहमान के जीवन पर एक बायोपिक फिल्म बनाई जाएगी जिसके निर्देशक भारत के ही श्याम बेनेगल होंगे। और जैसा कि बांग्लादेश सरकार का प्रयास है कि इस फिल्म को मुजीबुर रहमान के जन्मदिन पर अगले वर्ष जारी किया जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? जी हाँ, दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें फिल्म स्टार आमिर खान के द्वारा पुरी शहर, जो कि उड़ीसा का एक धार्मिक नगरी है, और पुरी शहर के ही मेयर को सरोज कुमार को ये पुरस्कार स्वच्छता दर्पण पुरस्कार प्रदान किया गया। किसके लिए? प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए। पुरी किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। बढ़ते हैं बेस्ट फीचर ऑफ द डे। भारतीय थल सेना दिवस का 2020 में कौन सा संस्करण मनाया जाएगा? जी हाँ, कल 15 जनवरी था और भारत में प्रतिवर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस का आयोजन किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा भारत में सबसे पहले 15 जनवरी के दिन ही एज अ फील्ड मार्शल पद ग्रहण किया था और उसी के याद में थल सेना दिवस मनाया जाता है। आपको बताना यह है कि 2020 में इसका कौन सा संस्करण होगा। आंसर ऑफ द डे, जिसमें कि मैंने पूछा था कि भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे 47A वेलिंगटन द्वीप पर है और यह किस राज्य में है? जी हाँ,
बहुत से लोगों ने उसका सही आंसर दिया, ये केरल राज्य में है। वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप जिस झील में स्थित है उसका नाम है वेम्बनाड झील। किस झील में वेलिंगटन स्थित है? वेम्बनाड झील में। और आपको बता दें, वेलिंगटन भारत में बनाया गया सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड है, सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है, जिस पर कि कोची शहर है, और कोची शहर में ही ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे 47A है जो कोची और अर्नाकुलम को जोड़ता है। बहुत से लोगों ने इसका सही जवाब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर आप पहली बार इस चैनल को सुन रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके अलावा दूसरे लोगों को भी, दूसरे विद्यार्थियों को भी अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आज बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स, आपका दिन शुभ हो।